नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। लॉकडाउन के दौरान देश में मजदूर, गरीब, असहाय और लाचार तबके में आई भोजन व्यवस्था की परेशानियों को लेकर जहां पूरे देश में सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और एनजीओज तथा आम सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल मदद के लिए आगे आ रहे हैं और ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि समाज में कई परिवार ऐसे भी हैं जो समाज सेवियों से मदद लेते वक्त फ़ोटो खिंचवाना और वीडियो बनवाना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वे अपनी भूख के लिए अपने आत्मसम्मान को सरेआम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की भावनात्मक परेशानी को भी समाज सेवी संस्थाओं को समझना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद इस ढंग से करना चाहिए कि उन्हें पता भी ना चल पाए कि उनके यहाँ राशन कहाँ से आया और किसने भिजवाया। परंतु यह हमारे यहाँ की विडम्बना है कि लोग मदद के लिए आगे तो आ रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं तथा वीडियो भी बनवा रहे हैं। इतना हो तो भी ठीक है, इतना सब करने के बाद इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। इससे उन लोगों की सामाजिक छवि धूमिल हो रही है जिनकी इन समाज सेवियों द्वारा मदद की जा रही है। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाएं और सामाजिक लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी लोकप्रियता के ज़रूरतमंदों की परेशानी को समझते हुए उनकी मदद में जुटे हुए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कस्बा बबीना की एक संस्था हजरत सैयद एवज अली शाह रहमतुल्ला अलैह मजार कमेटी बबीना की, जो पिछले कुछ दिनों से ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित करने का कार्य कर रही है, वह भी गोपनीय तरीके से, ताकि लेने वाले को पता ही ना चल सके कि उसके यहाँ यह मदद किसने पहुँचाई है। कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि कोई भी साथी खाद्य सामग्री देते वक्त फ़ोटो या किसी भी प्रकार का वीडियो ना बनाए। ज़रूरतमंदों की मदद करते वक्त उसके साथ तस्वीर निकालना उसकी मुफलिसी का मजाक उड़ाना है। विगत गुरुवार को कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा गुप्त रूप से शास्त्री नगर, शांति नगर, न्यू पंप हाउस, पंजाबी कॉलोनी, कबाड़ी बाजार एवं ईदगाह के पास स्थित रशयन आदि स्थानों पर खाद्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें उन्होंने प्रत्येक परिवार को आटा, चावल, दाल, नमक, शक्कर, खाद्य तेल, चाय पत्ती आदि सामग्री पैकेट बना बना कर वितरित की। नवोदय प्लस टाइम्स लगातार बबीना में जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति में आप साफ देख सकते हैं कि कई सामाजिक संस्थाएं बबीना में जो है जरूरतमंदों की जो है उनकी खाद्य सामग्री पहुंचाकर एक नेक काम करने का काम कर रही है। जहां अन्य संस्थाएं लगी हुई वहीं पर बबीना की मजार कमेटी पूरी की पूरी टीम जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ के जो मजार कमेटी के जो साथी हैं, उन्होंने लगातार जो है पहले दिन से जो है लगातार लोगों की गुप्त मदद कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि खाद्य सामग्री में जो है आटा है, दाल है, आपका नमक है, आपका तेल है, चाय पत्ती है, शक्कर है, काफी मतलब पूरी फुल एक जो है एक ऐसा राशन दे रहा है कि एक परिवार आराम से एक हफ्ता उसमें निकाल देगा। और ये काम लगातार निःशुल्क भाव से सेवा से किया जा रहा है ताकि लोगों को एक मैसेज पहुंच सके। ये पूरे भारत में इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं मैं ये साफ कह सकता हूं कि बबीना के जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक साथी हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने एक इबारत लिख दी है कि जब देश पर कोई संकट आता है तो किस तरीके से सबके सब यहां पर खड़े हुए होते हैं, उसी कड़ी में यहां की मजार कमेटी ने भी अपना जो है एक अलग ही स्थान बनाया है और लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं साहिद खान, नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से साहिद खान के साथ मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट।